हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, फाइनली वही हुआ जिस बात का अंदाजा हम सभी को पहले से था कि भैया रॉकी भाई अपनी आ चुकी फिल्म यानी कि केजीएफ के चैप्टर 2 के माध्यम से हमें सिनेमा घरों में निराश नहीं करेंगे। यानी कि भैया रॉकी भाई बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारते ही अपनी फिल्म के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर रॉकिंग डांस करते नजर आ रहे हैं और भाई उनके इस डांस की चर्चा, उनकी इस कामयाबी की चर्चा अब हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ही जोरों शोरों से होने लगी है। तो दोस्तों, रॉकी भाई की आ चुकी मच अवेटेड फिल्म यानी कि केजीएफ के चैप्टर 2 को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भैया इस फिल्म ने पहले दिन पूरे भारतवर्ष से कितने का कलेक्शन कर लिया है। उसके बाद इस फिल्म को लेकर यह जानकारी भी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भैया इस फिल्म का टोटल बजट कितना है और इस फिल्म को कहां कहां कितने स्क्रीन मिले हैं, ये सारी जानकारियां मेरे सामने आ चुकी है और भाई ये सारी जानकारियां अब मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि भैया रॉकी भाई की इस फिल्म यानी कि केजीएफ के चैप्टर 2 को पूरे विश्व से कितना स्क्रीन मिला है। तो दोस्तों, रॉकी भाई की इस फिल्म को नॉर्थ इंडिया से जो स्क्रीन मिला है वो संख्या है 4400 का। उसके बाद इस फिल्म को साउथ इंडिया में जो स्क्रीन मिला है वो संख्या है 2600 का। उसके बाद ओवरसीज में इस फिल्म को जो हिंदी लैंग्वेज में स्क्रीन मिला है वो संख्या है 1100 का। और उसके बाद ओवरसीज में इस फिल्म को साउथ लैंग्वेज के माध्यम से जो स्क्रीन मिला है वो संख्या है 2900 का। यानी कि इस फिल्म को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म को पूरे विश्व से 10,000 प्लस स्क्रीन मिले हैं। यानी कि खबरों की माने तो भैया स्क्रीन काउंटिंग की जो संख्या है वो बढ़कर अब लगभग 11,000 के आसपास हो चुकी है। यानी कि भैया इतने बड़े स्तर पर इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। और भाई इस फिल्म के बजट को अगर आप सुनोगे तो आप सुनकर भैया हैरान हो जाओगे कि भैया इतने कम बजट पर इतनी शानदार फिल्म कैसे बना दी प्रशांत नील ने। यानी कि भैया केजीएफ के चैप्टर 2 को लेकर जो जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है उसमें यही बात बताई जा रही है कि भैया इस फिल्म का जो टोटल बजट है वो केवल 100 करोड़ है मेरे भाई। जिस स्तर की यह मूवी हमें सिनेमा घर में देखने को मिली है उसको देखने के बाद तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि यह फिल्म केवल 100 करोड़ के बजट पर बनी है। यानी कि इस फिल्म को लेकर यह जानकारी सामने आई है कि इस फिल्म को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जो पहले दिन कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 27 करोड़ का। उसके बाद तमिलनाडु में इस फिल्म को जो कलेक्शन मिला है पहले दिन वो आंकड़ा है 1.5 करोड़ रुपीस का। उसके बाद कर्नाटका से इस फिल्म को पहले दिन जो कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 28 करोड़ का। और उसके बाद भैया इस फिल्म को जो हिंदी बेल्ट में कलेक्शन मिला है वो कलेक्शन तो भैया कल्पना से परे है मेरे भाई। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको हिंदी बेल्ट के इस कलेक्शन रिपोर्ट को बताऊं कि उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि दोस्तों आपको याद ही होगा कि जब केजीएफ का चैप्टर 1 सिनेमाघर में रिलीज हुई थी तो भैया उस फिल्म के साथ में हिंदी बेल्ट में कैसा भैया अन्याय वाला व्यवहार किया गया था मेरे भाई, अन्याय वाला व्यवहार किया गया था। यानी कि केजीएफ के चैप्टर 2 को इस बार हिंदी बेल्ट से जो पहले दिन कलेक्शन मिला है ना उससे बहुत ही कम कलेक्शन इस फिल्म के पार्ट 1 को भैया हिंदी बेल्ट में मिला था। यानी कि इसका पार्ट 1 जब सिनेमा घर में आया था तो उस फिल्म का हिंदी बेल्ट से जो लाइफ टाइम कलेक्शन था ना भाई, पहले उस आंकड़े को आप सुने तो भैया वो आंकड़ा था 44.9 करोड़ रुपीज का। यानी भैया उसका लाइफ टाइम कलेक्शन था हिंदी बेल्ट से। और भाई इस बार इस फिल्म को हिंदी ऑडियंस ने अपना पूरा प्यार पूरा सपोर्ट दिया है ये कहते हुए कि इस बार आप लोगों के साथ कोई भी षड्यंत्र नहीं होगा। यानी कि भैया इस बार तो इस फिल्म ने पहले ही दिन हिंदी बेल्ट से 53.95 करोड़ रुपीस का बिजनेस कर लिया मेरे भाई। यानी कि भैया पहले पार्ट को लाइफ टाइम के लिए मिलता है 44.9 करोड़ रुपीस और उसके बाद भैया इसके दूसरे पार्ट को मिलता है हिंदी बेल्ट में 53.95 करोड़ रुपीस। तो भैया इस बार तो काली पोत दी है ऑडियंस ने भैया उन षड्यंत्रकारियों के चेहरों पर जिन्होंने केजीएफ के चैप्टर 1 के साथ में अन्याय किया था भैया जब वो फिल्म 2018 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। यानी कि भैया इस बेहतरीन कलेक्शन के माध्यम से केजीएफ के चैप्टर 2 ने पहले दिन जो बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन कर लिया है वो आंकड़ा है 134.50 करोड़ रुपीज का। यानी कि भैया इतना शानदार प्रदर्शन करते हुए रॉकी भाई ने अपना रॉकिंग परफॉर्मेंस पूरे इंडिया को दिखा दिया है। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भैया पहले ही दिन रॉकी भाई ने तो भैया
सेंचुरी लगा लिया है कमाई के मामले में इंडिया से, तो भैया आपको क्या लगता है ये जो प्रदर्शन है इस वक्त बॉक्स ऑफिस वाला, ये कितना आगे जाएगा, कितने जल्दी ये फिल्म 1000 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर छुएगी, आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।